दिल्ली में आज भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। राजधानी में प्रदूषण बढ़ने की वजह से वायु गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है। वायु गुणवत्ता बिगड़ने की वजह से शहर में विजिबिलिटी कम हो गई है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा आज अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस संबंधी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। महाराष्ट्र पुणे ग्रामीण पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 54,000 रुपए मूल्य की मेफेड्रोन ड्रग्स बरामद हुई है। फिलहाल व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच जारी है। भाजपा के महासचिव तरुण चुग ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपने संगठन को मजबूत कर रही है। मणिपुर में निंगोल चक्कूबा उत्सव के मद्देनजर मत्स्य विभाग ने इम्फाल में मछली मेला सह मछली फसल प्रतियोगिता 2020 का आयोजन किया। मछली को मेले में 20% की छूट पर बेचा गया। बिहार में सभी मंत्रियों की शपथ लेने के बाद अब नई कैबिनेट की बैठक आज बुलाई गई है। वहीं विधानसभा का विशेष सत्र 23 नवंबर को बुलाया गया है। भारतीय नौसेना के युद्धाभ्यास मालाबार का दूसरा चरण आज से उत्तरी अरब सागर में शुरू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के विवादित कंप्यूटर बाबा को सोमवार को जमानत मिली थी, लेकिन एक दूसरे मामले में उन्हें फिर सलाखों के पीछे जाना पड़ा था, जिसके बाद आज फिर उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी को दहलाने की एक बड़ी साजिश नाकाम की है। पुलिस ने दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं और जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। हरियाणा में एक बार फिर कोरोना ने अपना कहर बरपा दिया है। हरियाणा के राज्य मंत्री सत्यदेव नारायण आर्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिन्हें मोहाली के फोर्टिस्ट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।